हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 16 ऑफ अ लाइट चैप्टर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ अ लाइट। और उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी है, कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो डिटेल में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज क्या देखते हैं, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है तो लाइट किससे रिफ्रैक्ट होता है, सब लोगों को पता है किससे रिफ्रैक्ट होता है, लेंसेज से। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस क्या होता है वो समझते हैं और टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। ये प्रीवियस ईयर्स में भी हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ओवरलुक करना है और समझ लेना है टर्मिनोलॉजी अबाउट द लेंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे जो नेक्स्ट टर्म है आज की, तो कौन सी, सबसे पहले लेंस। ठीक है, लेंस मतलब क्या होता है, डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, देखो क्या बोला हुआ है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्या है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। मतलब क्या हुआ, लेंस क्या है, सिंपल है, क्या है, लेंस क्या है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। मतलब लेंस मतलब क्या है, एक पीस है किसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, जो क्या है, बाउंडेड किया हुआ है टू स्फेरिकल सरफेस से। क्या किया गया है, बाउंडेड किया हुआ है। और सबको पता होता है कि हमारे पास कितनी लेंसेज होती है, टू लेंसेज होती है। यहाँ पे डायग्राम निकालने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्या हो रहा है, सिंपल एक पीस है किसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास का लेंस, और वो किससे बाउंडेड किया हुआ है, बंधा हुआ है तो टू स्फेरिकल सरफेस से बंधा हुआ है, बराबर है। और जो लेंसेस है, लेंसेस ही मतलब क्या होता है, लेंसेस को क्या कहा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल लेंस मतलब क्या है, तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो क्या करता है, इमेज की साइज को क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट करता है, बराबर है। हमें पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेगी, डिस्टेंस बदलेगा, तो जो आपकी आने वाली इमेज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, बराबर है। तो ये क्या है, सिंपल मतलब लेंस मतलब क्या हो गया, सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो क्या करेगा, इमेज की साइज को क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लेंस है, लेंस के हमें पता है टू टाइप्स, यू नो ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहला जो होता है कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस सब लोगों को पता होता है, जो हमारी आंखों में होती है, बराबर है, कैसी होती है, तो इस तरह से क्या होता है, ये लेंस होती है, बराबर है। इसे क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। इसे क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और इसे क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों, क्योंकि जब पैरेलल रेज आएंगी तो वो रेज को क्या करेगी, कॉन्वर्ज करेगी, एक जगह पे क्या करेगी, जमा करेगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, थिक एट द सेंटर। मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो सेंटर में है वो क्या है, थोड़ी सी थिक होती है एज कम्पेयर टू द एज। मतलब उसका जो एज है वो क्या है, थिनर है। देखो यहाँ पे एज क्या है, थिनर है, और यहाँ पे जो मिडल वाला पार्ट है वो क्या है, ठीक है, बराबर है। और इसके अपर दूसरे क्या प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है इसकी, तो सरफेस ब्लजिंग आउट एट द सेंटर। मतलब जो सेंटर है ये होगा इसका सेंटर, बराबर है। मतलब इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या ब्लज, क्या हुआ है, ब्लजिंग, मतलब क्या हुआ, बाहर निकला हुआ, इसका जो सेंटर का पार्ट है वो क्या है, बाहर थोड़ा सा क्या हुआ है, हम बोलेंगे उसे, बोलेंगे कि थोड़ा सा फैला हुआ है, थोड़ा सा मोटा, मतलब मोटा पास था वहां पर, क्या है, सेंटर का पार्ट का इसका मोटा पास है, बराबर है। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आपको सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, सिंपल ये डायग्राम आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद उसके बिल्कुल अपोजिट कौन सी दूसरी टाइप हमारी लेंस, कौन सी, कॉन्केव लेंस, अदरवाइज डाइवर्जिंग लेंस, बराबर है। कॉन्केव लेंस मतलब सब लोगों को पता है, केव। केव मतलब क्या होगा, अंदर, गुहा, बराबर है। मतलब ये लेंस कैसी होती है, देखो, यू नो ऑलरेडी, देखो ये, बराबर है। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे केव क्रिएट हो रही है, मतलब जाने वाली रेस कैसे जाने वाली है, अंदर जा रही है, केव के अंदर जा रही है, बराबर है। मतलब क्या है, कॉन्केव लेंस, बराबर है। और इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग, क्योंकि पता है हमें इसके अंदर जैसी रेस जाएंगी तो क्या करेगी, रेस को क्या करती है, डाइवर्ज करती है। जैसी रेस जाएगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। रेस क्या करती है, डाइवर्ज, और ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल क्या है इसका, इसका दूसरा नाम है कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या खासियत है हमारे कॉन्केव लेंस की। तो क्या बोला हुआ है, कॉन्केव लेंस क्या होगी, बिल्कुल इसके अपोजिट, देखो, थिन एट द मिडल, मतलब बीच में क्या है, थोड़ी सी थिन है, और थिकर एट द एज, मतलब इसका जो एज है, कॉर्नर है, वो क्या है, थिक है, बराबर है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्केव लेंस, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, खासियत के बारे में, तो वो क्या है, सरफेस बेंट इनवर्ड, मतलब जो इसका सरफेस है, बराबर है, वो क्या है, अंदर के साइड में क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंसेज की क्या है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है। तो सिंपल कुछ नहीं, देखो, हाँ, इसके एक और नाम भी दिया हुआ है कुछ किताबों में, इसे क्या बोला गया है,
डबल कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या बोला जाता है, कुछ किताबों में दिया हुआ है डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोला गया है, और कॉन्केव लेंस को क्या बोला गया है, डबल कॉन्केव लेंस भी बोला हुआ है, ठीक है। देखो क्या हो गया है, कुछ नहीं समझ आया, प्रीवियस इयर्स में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ज्यादा इस पे वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेंस की डेफिनेशन और टू टाइप्स ऑफ लेंस, और लेंस कैसी होती है आप लोगों को पता होनी चाहिए, बराबर है। उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, तो हमारा टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, मतलब लेंस से जुड़ी हुई क्या है, हमें क्या देखने हैं, टर्म्स देखनी है, मतलब जैसे हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी मिरर्स के लिए, बराबर है, मिरर फॉर्मेशन जब होता है तो उससे रिलेटेड टर्म, वैसे ही क्या है यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हैं जो किससे रिलेटेड है, हमारे लेंस से रिलेटेड है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे आप लोगों ने नाम सुने हैं, कोई ऐसा नया नाम नहीं है। देखो सबसे पहले जो आ रही है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो डायग्राम है, बराबर है, मतलब ये लेंस जो फॉर्म हुई है, तो हमने देखा था जो मिरर फॉर्म हुआ था, मिरर क्या हुआ था, सिर्फ वन टाइप के जो आपका स्पीयर था, स्पीयर ऑफ ग्लास था, उससे ही क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था, बराबर है। देखो ये मैं मिटा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं किसकी, मिरर की, किसकी मिरर की, तो मुझे पता है ये क्या था, हमारा एक स्पीयर था, बराबर है, ये क्या था, हमारा एक सिंपल स्पीयर था, और इसको मैंने क्या कर दिया था, यहाँ से क्या कर दिया था, कट कर दिया था, बराबर, यहाँ से क्या कर दिया था, कट, और इसके जो पीछे वाली साइड थी इसको क्या कर दी थी, कोटिंग कर दी थी, और हमारा क्या हो गया था, सिंपल स्पेरिकल मिरर, बराबर, ये क्या बन गया था, हमारा स्पेरिकल मिरर, ये कौन सा था, कॉनकेव, और अगर मैं क्या करूँ कोटिंग अंदर के साइड से करूँ तो यही क्या बन जाएगा मेरा, कॉन्वेक्स। तो लेकिन देखो मिरर बनाते वक्त हमें क्या था, सिर्फ एक ही स्फेरिकल मिरर चाहिए था ग्लास का, बराबर है, ग्लास का क्या चाहिए था, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक ही जो स्फीयर था वो क्या था, एक था। लेकिन अब जो हम क्या बनाने वाले हैं, लेंस बनाने वाले हैं, तो हमें क्या यूटिलाइज करने वाले हैं, दो स्फीयर यूज करने वाले हैं, दो क्या करने वाले हैं, स्फीयर की ग्लास क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या लिखा हुआ है, C1 एंड C2, और मिरर में क्या था, सिर्फ C ही था, मतलब एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था। देखो अब अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, कॉन्वेक्स की, तो देखो कॉन्वेक्स क्या होता है आप लोगों को सबको पता है, देखो ये क्या है समझ लो, दो स्पीयर है, एक ये स्पीयर है और ये एक स्पीयर है, बराबर है बच्चों, तो ये क्या हो गया है, दो स्पीयर हो गए। अब देखो ये क्या होता है इसका, अब हमें चाहिए होती कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगी, तो हमें क्या करते हैं, ये जो बाहर का जो पार्ट है, जो इमेजिनरी हम स्पीयर बोलेंगे, इसे क्या कर देते हैं, निकाल देंगे, इसे क्या कर देंगे, निकाल देंगे। देखो यहाँ से निकाल दिए और हमारी क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी, फॉर्म होगी। देखो ये हो गई, यहाँ पे निकाली हुई नीचे, ये क्या कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी, फॉर्म होगी सिंपल। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, दो स्पीयर के सहारे से क्या किया जाता है, लेंस को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसीलिए जो टर्म्स भी आती है वो कितनी आती है, ट्वाइस आती है बच्चों, किसमें, लेंस में, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं टर्म्स क्या होती है। देखो सबसे पहले क्या आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चों सारा का सारा जो ये सेंटर होगा, बराबर, मतलब हर एक स्पीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, और इस सेंटर में से जाने वाली क्या होगी, एक लाइन निकालते हैं, बराबर है, तो ये क्या हो जाता है, ओ, बराबर है, तो इसका क्या होगा, सेंटर होगा एक, इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, बराबर है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, C1, इसे क्या नाम दिया जाएगा, C2, बराबर है, ये इमेजिनरी मतलब डॉटिंग निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब आपको समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी फर्स्ट टर्म, कौन से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो गया है, देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द लेंस स्फीयर इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं बता चुका हूं कि जो आपके लेंस के स्फीयर है उसका जो सेंटर होगा उसे क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए इस लेंस को, तो दो, क्योंकि जो लेंस बनी हुई है वो कितने स्फीयर से बनी हुई है, दो स्फीयर से, ठीक है। उसके बाद वाली टर्म्स, प्रिंसिपल एक्सिस, सबको पता है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या होता है, तो ये थर्ड टर्म है, पहले थर्ड टर्म समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऑप्टिकल सेंटर किससे डिनोट किया गया है, ओ, और द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, मतलब जो आपकी लेंस है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, उसे क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। फिर आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और बोला हुआ है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब क्या हो रहा है, एक लाइन पास हो रही है जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है, ये क्या है, लाइन पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, उसे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे उसका नाम लिख रहा हूं, क्या है ये,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे प्रीवियस हमने लेंस मिरर के लिए पढ़े हैं वैसे ही हमारे क्या है सारी की सारी टर्म्स क्या है लेंस के लिए भी वैसे की वैसे है। ये क्या है, वो क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर है। अब देखो बच्चों फोर्थ टर्म हमारी कौन सी आ रही है, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस सबको पता होता है कि जब क्या होता है पैरेलल रेज आएंगी तो पैरेलल रेज आने के बाद क्या होगा, जब कुछ रेज क्या हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लेंस, जब कॉन्वेक्स लेंस होगी तो क्या हो जाएंगी रेज क्या हो जाएगी कॉन्वर्ज हो जाएगी, जब कॉन्केव लेंस होगी तो रेज क्या आपकी रेज क्या हो जाएगी डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन डाइवर्ज होने के बाद और कॉन्वर्ज होने के बाद भी वो क्या करेंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है मीट होती है, उसे हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखो डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द where a parallel beam of light which is parallel to the principal axis converge or diverge after the refraction। मतलब उन्होंने कहा है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ कि चाहे यहाँ से दो parallel rays आएगी, ठीक है, तो यहाँ से आपकी वो क्या हो जाएगी समझ लो converge हो जाएगी, ठीक है, और एक particular point पे क्या हो जाएगी meet हो जाएगी, तो ये क्या होगा आपका focus। और ये हो गया समझ लो concave के लिए अगर एक parallel rays आ रही है और यहाँ से निकलते वक्त वो क्या हो जाएगी आप लोगों की डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन डाइवर्ज होने के बाद हमें पता है यहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल, तो हम क्या करते हैं पीछे क्या करते हैं एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक जगह पे क्या हो जाएगा मीट हो जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। और किसे डिनोट किया गया है कैपिटल एफ से, तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे आता है हमें पता है मिरर्स में भी और यहाँ पे भी लेंस में भी कहा आएगा तो बीच में, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा सेकंड स्फीयर के लिए क्या आएगा वो F, तो यहाँ पे F1 यहाँ पे F2, बराबर है बच्चों। तो ये क्या होगी टर्मिनोलॉजी प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ थोड़ा सा आपको इजीली अंडरस्टैंड हो इसलिए, ठीक है। देखो उसके बाद आ रहा है लास्ट वाला हमारा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ तो सबको पता है स्मॉल f से क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है, और फोकल लेंथ क्या होती है हमारी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल फोकस इज नोन एज, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस बन रहा है फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर, ये जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं सिंपल फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये क्या है कुछ टर्मिनोलॉजी है किससे है, फाइव टर्म्स है रिलेटेड टू द आपके कौन से लेंस, और लेंस ये आपको क्या करनी है आसानी से क्या करनी है ध्यान में देनी है। देखो ये हो गए कॉन्वेक्स लेंस के बाद, आप अगर कॉन्केव के लिए भी बात करूं तो उसी तरह से क्या होता है टू ही स्पीयर क्या किए जाते हैं यूटिलाइज किए जाते हैं। देखो ये क्या हो रहा है समझो स्पीयर, बराबर है, ये क्या है दूसरा स्पीयर, बराबर है, और यहां से क्या किया जाता है इसे क्या किया जाएगा बाउंड किया जाएगा, और इसे क्या किया जाएगा मिटा दिया जाएगा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है टू जो लेंस है वो क्या होती है फॉर्म होती है बच्चों। देखो तो ये क्या है फाइव टर्म्स है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ध्यान देना है, लेकिन कुछ नहीं है आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो। सबसे पहली टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने रहेंगे दो, क्योंकि स्पीयर कितने हैं दो C1 C2, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस का जो सेंटर होगा उसे क्या बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस जब क्या हो जाएगा रेस पैरेलल रह जाएंगी तो चाहे कॉन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी मीट होगी उसे क्या बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस, और फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ये क्या है टर्मिनोलॉजी। अब देखो बच्चों ये जो सारी टर्म्स है हम जो सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं अदरवाइज इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू हमारे लेंस, तो यहाँ पे क्या होता है ये जो टर्म्स है यही टर्म्स हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं, बराबर है, जैसे कि हमने मिरर्स के वक्त भी क्या किया था यूटिलाइज किया था, बराबर है। तो ये जो है लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा चेंज क्या होता है यही भी समझ लेना है। देखो थोड़ा यहाँ पे चेंज होता है, तो ये जो है आप लोगों ने यहाँ पे कभी भी जब इमेज फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हम कभी भी C1 और C2 नहीं लेते, बराबर है, C1 और C2 नहीं लेते। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे C1 के बदले क्या लिया जाता है बेटा ट्वाइस F1 लिया जाता है, और यहाँ पे C2 के बदले क्या लिया जाता है ट्वाइस F2 लिया जाता है, ठीक है। मतलब ट्वाइस F2 ही मतलब क्या है सिंपल हमारा C2 है, और ट्वाइस F1 ही मतलब हमारा क्या है C1 है बच्चों, ठीक है। मतलब जो पोजीशन आपकी 2F1 की है वही पोजीशन किसकी है C1 की है, लेकिन उसे किससे डिनोट किया गया है सिर्फ ट्वाइस F1 से डिनोट किया गया है,
और यहाँ पे क्या है C2 की जो पोजीशन है सिर्फ डिनोट किससे की जा रही है, ट्वाइस CF2 से डिनोट की जा रही है, क्योंकि हमें पता है ये जो होता है ये डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है, बराबर है। मतलब ट्वाइस CF1 इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ट्वाइस CF मतलब बताने की कोशिश, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर वो क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब ट्वाइस CF1 ट्वाइस CF1 प्लस F1 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का F1। हाँ तो देखो ये मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है हमारा ट्वाइस F से लेके F तक का और F से लेके O तक का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब समझो यहाँ पे ट्वाइस F1 F1 इक्वल टू F1 F1 इंटू O, मतलब क्या हो गया ये जो डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ डिनोट करूँ ट्वाइस F1 को कि क्या करूँ A, F1 क्या है मेरा B, इक्वल टू F1 क्या है मेरा B और O को क्या है O, मतलब AB का जो डिस्टेंस है AB की जो वैल्यू आने वाली है वही वैल्यू क्या आने वाली है मेरी BO की भी क्या आने वाली है वही वैल्यू आने वाली है, मतलब क्या हो रहा है सिंपल ये जो क्या है जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या रहेगा ये डिस्टेंस है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमें मिरर्स के वक्त हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, बराबर है। तो ये क्या है टर्म्स है आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए आप किसके बारे में लेंस के बारे में, ठीक है। और कुछ हमें देखो आपको पता है होना चाहिए जो कि आपको पता भी है क्या होता है जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, बराबर है। इसमें क्या होता है इसमें क्या होगा तो आपको पता है क्या होता है जो पैरेलल रेज आएंगी, बराबर है। मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये फोकस पे क्या हो जाएगी यहाँ पे पर्टिकुलर फोकस पे क्या हो जाएगी मीट हो जाएगी, बराबर है। और इसे क्या बोला जाता है फोकस, बराबर है। और कॉन्केव में क्या होने वाला है कॉन्केव में सिंपल उसके अपोजिट जब क्या होगी रेज आएंगी ये ध्यान में रखना है तो ये क्या हो जाएगी डाइवर्ज हो जाएगी, बराबर है। उसी के डायरेक्शन में अगर मैं उसे पीछे एक्सटेंड करूँ तो क्या हो जाएंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या होने वाली है मीट होने वाली है तो उसे क्या बोल देंगे हम फोकस, बराबर है। मतलब जो आपका जो यहाँ पे इमेज फॉर्म होने वाली है कॉन्वेक्स में वो कौन से बनने वाले हैं रियल, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाले हैं एक्चुअल में क्या होने वाले हैं आपके जो रेज होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं मीट होने वाले हैं, बराबर है। और यहाँ पे रियल इमेज होती है तो मैंने पहले बताया था जहाँ पे रियल रियल इमेज फॉर्म होगी तो वहाँ पे वो कैसे रहेगी इन्वर्टेड रहेगी वो कैसे रहेगी उल्टी रहेगी, बराबर है। और यहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म होने वाली है तो वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसे मीट करवा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी वर्चुअल, वर्चुअल मतलब वो क्या होगी आप लोगों की अपराइट इमेज क्या होगी बच्चों यहाँ पे क्या होने वाली है फॉर्म होने वाली है, ठीक है। और आप लोगों को सारे सबको बताया कि ये जो होगा इसे क्या बोला जाएगा जो फर्स्ट लेंस है वो क्या कर रही थी रेस को क्या करने वाली है कॉन्वर्स करने वाली है और जो आपकी कॉन्केव लेंस है वो क्या करने वाली है रेस को क्या कर रही है डाइवर्स कर रही है मतलब फैला रही है, ठीक है। तो आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस होगी वो कौन सी इमेज फॉर्म करेगी रियल और आपकी जो कॉन्केव लेंस होगी वो कौन सी फॉर्म करेगी वर्चुअल। उसके बाद वाली जो हमारे रूल्स है और जो इमेज फॉर्मेशन है हम वो क्या करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।